जितना कम इंटरवेंशन हुआ हो उतना आसान होता है ठीक करना। जब कोई स्टीरॉयड में बच्चे को ऑलरेडी चले गए या बच्चा या पेशेंट ऑलरेडी इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए, वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लो ये आप देख रहे हैं आप हैं और ये है डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंसुलिन, स्टीरॉयड। जितनी समय हो जाएगा मगरमच्छ के मुंह में रहते हुए उतना मुश्किल होगा आपका उससे बचना, उतना ज़्यादा डैमेज होता जा रहा है जितने देर तक मगरमच्छ के मुंह के अंदर बंद है। तो ये समझ लीजिए जितना समय निकल गया है इंसुलिन लेते लेते, जितना समय निकल गया स्टीरॉयड लेते लेते, जितना समय निकल गया डायलिसिस कराते कराते, जितना समय निकल गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते करते, इट इज इक्वलेंट टू कि आप उतनी देर अपने आप को छुड़ाए बिना मगरमच्छ के ग्रिप में हैं। तो अब मगरमच्छ के ग्रिप से कैसे बाहर निकलना है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए अब जैसे आपने बच्चे को देखा, और ऐसे बच्चे अक्सर, ये तो चलो हॉस्पिटल आ गए थे तो हम बोलते हैं घर पे ही ठीक करोगे, डीआईपी डाइट आप घर पे भी ले सकते हो, राइट, पैसे भी बचेंगे, बच्चे को ट्रेवल भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के जो पेशेंट हैं जो ऑलरेडी इंटरवेंशन में फंस गए हैं, मगरमच्छ के ग्रिप में आ ही गए हैं, तो अब आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सर्जरी सिखाने वाला हूँ कि ऐसे पेशेंट अगर आपको मिले जो पेशेंट अभी आने वाले हैं स्टेज पे, तो हम कैसे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, आप कैसे उसकी सर्जरी करेंगे। तो ये है आपका ऑपरेशन टेबल, एक सर्ज, और इसमें यहाँ पे दो चीज़ और भी मैं है मेरे पास, ये पीछे ही रहेगा। आज आप दो पहले वक्ता और मेरे दो मित्र से मिले हैं, इनसे मिला दूँ। ये हैं जस्टिस पाटिल जी, यहाँ बैठे हुए हैं, ये है एमएलए अनिल जी। तो अब मैं आपके लिए ऑपरेशन थिएटर बना रहा हूँ, उसमें आपको नर्स चाहिए होते हैं, डॉक्टर चाहिए होते हैं, सर्जन आप खुद हैं, ठीक है ना, तो वो सब आपको दे रहा हूँ। ये सिंबॉलिक है सर, आपकी मदद से हम लोगों तक पहुँचेंगे। जब भी जस्टिस पाटिल जी से मेरी बात होती रही है, एज ए मुझे अपना हमारे वेल विशर हैं, हमारे दोस्त हैं, और सोचते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए, तो जब किसी पेशेंट के लिए बात करते हैं, खुद के लिए बात करते हैं, इनके बातों में ये बोलते हैं, जैसे अभी सर आप भारत यात्रा में थे, भारत जोड़ो यात्रा में, कि मैं 25 किलोमीटर चला लेकिन उसके पैरों में दर्द होने लगा या कमज़ोरी आ गई, अब क्या करूं, या ये बच्चा है इसको बुखार हो गया, तो ये इसका हाथ गर्म हो गया है, बॉडी गर्म, अब क्या करूं, या ये बहुत पेन में है, वो दर्द को कैसे कम करूं। मतलब जो सिम्टम्स हैं, आपके शब्दों में सिम्टम ज़्यादा आते हैं, आज भी ऐसी था, सिम्टम को ज़्यादा बोलते हैं कि तकलीफ क्या है। तो इन्हें मैं बोलता हूँ ट्रू पेशेंट, रियल पेशेंट, असली पेशेंट। अब ये जो अनिल जी हैं यहाँ पे, सर कहाँ पे, एक बार हाथ रेस कर दीजिए, अभी आप थे यहाँ पे, राइट, आपने सुना, इनका फ़ोन आता कई बार, अरे डॉक्टर साहब कैसे हैं, मैंने कहा मैं ठीक हूँ सर, आपने मेरा व्हाट्सअप देखा, हाँ देखा सर, अरे यार बहुत गड़बड़ हो गई, देखो जरा रिपोर्ट में क्या है। तो ये हैं कागजी पेशेंट, कागज में। मैंने कहा सर आप, मैंने कहा सर आप ठीक हैं, हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, अभी एक रैली करके दूसरे लेन में जा रहा हूँ, और वो रात को पहुंचूंगा, यार पता नहीं चार दिन से ऐसे चल रहा है, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। मैंने तो परेशान किया, सर वो रिपोर्ट देखो रिपोर्ट। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ दोबारा से, हाँ क्या है देखा। मैंने कहा सर इसमें आपके हिसाब से कोलेस्ट्रॉल, हाँ देखो कोलेस्ट्रॉल देखो वो फिर बढ़ गया, वो 196 हो गया। मैंने कहा कितना चाहिए सर, कम से कम 150 तो होना ही चाहिए। मैंने कहा सर आज मेरा डिज़ाइनर छुट्टी पे, कल आएगा तो 150 कर देंगे सर। तो बोलने का मतलब ये है कि कुछ हुआ नहीं है, जो भी कुछ हुआ है कागज़ में हुआ है, इनको कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो दो तरह के पेशेंट, तो अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप बॉडी में सिम्टम क्या है, डिस्कम्फर्ट क्या, वो तो मैं कम कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कागज़ में पेशेंट हैं तो वो मेरा डिज़ाइनर कम कर देगा। जिस तरह का कागज़ चाहिए आपको, जो आपको रिपोर्ट चाहिए, वो डिज़ाइनर बहुत एक्सपर्ट है, वैसे ही आपको डिज़ाइन करके बना के दे देगा। तो इन्हें बोलते हैं हम ट्रू पेशेंट, एंड इन्हें बोलते हैं नकली पेशेंट या कागज़ के पेशेंट। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे हैं, और तीसरी चीज़ यहाँ पे है व्हाट वी कॉल एज हॉट वाटर इमर्शन। तो हॉट वाटर इमर्शन क्या है ये मैं आपको बता दूँ, तो इसके लिए ये सिमुलेशन किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो बुक है, बुक में लास्ट में जो पोस्टर है ना, उस पोस्टर में, वो पोस्टर ही यहाँ पे है बुक के लास्ट में, अभी देखने की ज़रूरत है, अभी यह पोस्टर यहीं पे है। ये हमारे मित्र हैं, वो इंजीनियर हैं हमारी तरह, तो उन्होंने ये सिमुलेशन किया है कि जब आप पानी में बैठते हैं, तो पानी में बैठना एक साइंस है, मेडिकल साइंस है। जब आप पानी में बैठते हैं, जैसे हॉट वाटर इमर्शन है,
तो इस वक्त आप सबके बॉडी के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जब पानी में बैठेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ पानी का प्रेशर जुड़ जाएगा, लेकिन वो भी वेरिएबल है। इसमें सबसे ज़्यादा नीचे क्या, कौन सा वाला पार्ट है? आपके पैर है। आप देखेंगे पैरों के आसपास ये लाल है, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे, उससे कम यहाँ पे। ये प्रेशर डिफरेंस है, वाटर प्रेशर बट अ डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो ब्लड को नीचे से ऊपर ले जाता है, दिस प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस प्लस हीट 40 डिग्री टेम्परेचर, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तब आपका स्किन बन जाता है 3rd kidney, राइट, एज सिंपल एज दैट। और बॉडी के अंदर जो भी चीज़ एक्सेस है, फालतू है, वो बॉडी से बाहर जाना, ट्रेवल करना शुरू हो जाता है, स्किन के रास्ते बॉडी के बाहर जाना शुरू हो जाएगा। वो कैंसर का पेशेंट बोलें, वो थैलेसीमिया का पेशेंट बोलें, वो डायलिसिस का पेशेंट, CKD का पेशेंट बोलें, तो ये सिंपल प्रिंसिपल है। हमारे हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट आता है तो हम बेसिकली, अगर उसको बहुत पेन है या अगर वो ऑलरेडी डायलिसिस पे है, उसके पैर हाथ सूजे हुए हैं, तो हमें पता है कि बॉडी से पानी एक्सेस है, ये बॉडी को नहीं चाहिए, इसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए अगर बॉडी को ये प्रेशर डिफरेंस दे दें एंड 40 डिग्री टेम्परेचर दे दें, पोर्स खुलेंगे तो अंदर की चीज़ जो बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी विल स्टार्ट डिस्कार्डिंग। और जब ये प्रोसेस होगा, 2 घंटे लगते हैं इसको, उसके बाद जब वो बंदा उठेगा, उसके हाथ पैर बॉडी में वेट भी कम हो जाएगा उसका, 500 ग्राम किसी का 1 किलो वेट, ये तब तक कम होता जाएगा जब तक कि बॉडी के अंदर से सारे डिस्कार्डेड चीज़ बाहर ना आ जाए, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो है, वी कॉल इट ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, ग्रैड सिस्टम, जो आज से करीब 1.5 साल पहले 2 साल पहले मैंने आविष्कार किया था, इसके वीडियोज़ बनाए थे। मकसद ये कि ये सारी चीज़ें घर पे किया जा सकता है, दिस प्लस DIP डाइट प्लस टाइम एज मेडिसिन, ये आपका सर्जरी का पेन, कि जब भी कोई आपको मिले जो हमारे हॉस्पिटल में होता है, जो आप घर पे कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पेशेंट, जो हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, राइट, तो ये देखिए हॉट वाटर इमर्शन में, ये तो हॉस्पिटल का पिक्चर देख रहे हैं, राइट, और 2 घंटे आप बैठे हैं, यहाँ तक पानी है, और 2 घंटे में क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर से जो थिंग्स, मान लो शुगर का पेशेंट है तो एक्सेस शुगर हुआ, ग्लूकोज हुआ, अगर तो वो एक्सेस है तो बॉडी से बाहर जाएगा, स्किन के रास्ते जाएगा, अपने आप ही जाएगा, राइट। तो इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सारी चीज़ें जो हम हॉस्पिटल में करते हैं ये घर पर भी की जा सकती है। इनफैक्ट वो घर पे ही करते हैं, यहाँ जितने भी पेशेंट आप देखेंगे 90% ऐसे हैं जिनसे हम में से कोई भी नहीं मिला। मैं तो 100% पेशेंट से पहली बार मिल रहा हूँ, हमारे हॉस्पिटल में आए नहीं, और सब लोगों ने घर पे ठीक हुआ, जब ठीक हो गए तब उन्होंने बताया कि हम ठीक हो गए। तो वो सारे पेशेंट का स्वागत करता हूँ प्लीज़, जो हमारे CKD के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट थे, जो डायलिसिस पे जाते थे 5 महीने 6 महीने साल 1.5 साल 2 साल, जिन्हें बोल दिया गया था कि डायलिसिस ज़िंदगी भर करो या ट्रांसप्लांट कराओ, तब उन्होंने ये वीडियोज़ देखे और ये ग्रैड सिस्टम देखा। ग्रैड सिस्टम जो है, क्या ये प्रूवन है? मैंने ये देखा है, ग्रैड सिस्टम का जो ऑब्जर्वेशन स्टडी हुआ है दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से डॉक्टर गगन है यहाँ पे, एंड यस डॉक्टर गगन है, थैंक यू सर, एंड डॉक्टर ओम गुप्ता फ्रॉम श्रीधर यूनिवर्सिटी, प्रो वाइस चांसलर, आप भी यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने, दोनों ने मिलकर देखा कि ये सिस्टम में जो जाता है क्या वो ठीक होते हैं, तो उन्होंने पाया 75% का डायलिसिस 100% छूट जाता है, 75% का डायलिसिस 100% छूट जाता है, बाकी जो 25% है उसका डायलिसिस कम होने लगता है, पूरी तरह नहीं भी छूटता है तो, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग, ऐसा नहीं कि जो हमारे पास आएगा 100% क्योर कर पाते हैं, लेकिन ऐसा है कि क्योर होता है, हो सकता है।